व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मैं डेविड के साथ। एंड सेटअप देख के थोड़ा अलग नहीं लग रहा? यस बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मैं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के बूट कैंप पे आ चुका है। एंड ऐसे सेटअप के साथ, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं आपको हर दिन मिलूंगा। सो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। एंड आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है ट्रिगर डिसिप्लिन। यस, ट्रिगर डिसिप्लिन का मतलब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा समझा देता हूं। देखो, बेसिकली ट्रिगर डिसिप्लिन क्या होता है कि अगर आपके सामने एनिमी होता है तो आप उसके ऊपर शॉट नहीं लेते हो, क्योंकि आपके एनिमी को पता नहीं है कि आप कहां पे और किस एंगल पे और किस कोने पे छुपे हुए हो या फिर किस एंगल को होल्ड करे बैठे हो। उससे क्या होता है कि आप एक के बजाय दो को मार सकते हो, दो के बगैर तीन प्लेयर को मार कर सकते हो। हम इस सिचुएशन को थोड़ा एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूं। ज्यादा वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंकित के मूवमेंट को आप गौर फरमाएं कि आप देखिए यहां पे पहले अंकित ने जैसे ही ऊपर उठा वो यहां पे पहला चीज क्या देखता है, वो ड्रेव को देखता है। ठीक है, यहां पे वो शॉट ले सकता था और बल्कि नॉक भी कर सकता था, क्योंकि ड्रेगो बहुत स्टेबल है, बट उसने नॉक नहीं लिया। इसे कहते हैं ट्रिगर डिसिप्लिन, क्योंकि वो इस सिचुएशन में नॉक कर सकता था, बट क्या होता कि जो राइट में इसके प्लेयर है ड्रेगो, डिलीट जो प्लेयर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जो मार्क करो, देखिए ये जो प्लेयर खड़ा हुआ है ये इसको इमीडिएट ट्रेड आउट कर सकता था, और या फिर ये सावधान हो जाता, ड्रेगो भले ही उनको किल मिल जाता, एक किल के बगैर उनको दो किल मिलने का चांसेस है, तो इसीलिए उन्होंने इस सिचुएशन में शॉट नहीं लिया। अब इस सिचुएशन में क्या कन्वर्जन होता है, देखिए अंकित बहुत ही सावधानता को मेंटेन करते हुए नीचे जाते हैं। ठीक है, अब उनको डिलीट भी दिख जाता है, डिलीट भी उसी तरीके से पहला शॉट ही सिर पे लगता है। ठीक है, डिलीट हो गया, खत्म, ऑफकोर्स डिलीट का किल उनको मिल गया। अब ड्रेगो इस सिचुएशन में जब तक वो रिकवर करते, ड्रेगो को भी शॉट पड़ चुका है, अंकित के पास आ चुके हैं दो किल। तो ये होता है फायदा ट्रिगर डिसिप्लिन का, एंड इसी चीजों को मतलब समझना पड़ता है एज एन अंडररेटेड एंड अंडरडॉग प्लेयर्स, जो शायद आपको एक्सपीरियंस के बाद ही मिलता है। क्या होता है कि हम लोग जब गेम खेल रहे होते हैं ना, हम लोग इतना पैनिक कर लेते हैं, इतना मतलब उस सिचुएशन में घुसे रहते हैं कि कोई प्लेयर दिखता नहीं और हम लोग शॉट लेना चालू कर देते हैं। मैं आपको ना फिर से अगर मैं रिवाइंड करके दिखाऊंगा ना क्या हुआ उस सिचुएशन में, ड्रेगो यहाँ पे डिलीट नॉक हुआ, एक दो शॉट खत्म, रिलोड भी नहीं किया अपना वुड पेकर उसने। ठीक है, वेट किया, ठीक है, और जैसे ही घुमा उसको ड्रेगो यहाँ पे दिख जाता है। बट ड्रेगो जब तक पता लगता है ना वो प्लेयर को, जब तक रिसीव होगा वो चीज, और वो राइट साइड में ड्रेगो को देखे, ड्रेगो पोजीशनिंग देखे, वो यहाँ पे जा ही नहीं सकता, यहाँ पे जाएगा तो उसको एली के प्लेयर्स मारने वाले हैं। तो वो जो पोजीशनिंग का एडवांटेज भी लिया वहां पे पीछे से अंकित ने, उसका फायदा उसको मिला, दो इजी किल्स, जो उसको शायद एक ही किल मिलता उसने ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा के और अपना पोजीशनिंग चेंज करके दो किल में कन्वर्ट करते और एक पोजीशन हायर भी चला गया। और यही कॉम्पिटिटिव बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में होता है, जहां पे आपको दो पॉइंट भी मिल गए किल के, प्लस आप एक हायर पोजीशन जा रहे हो, तो आप उस टीम से और थोड़ा पोजीशन पॉइंट कमा रहे हो। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एज ए टीम डिसाइड करना पड़ता है, फिर एज ए इंडिविजुअल प्लेयर आपको डिसाइड करना पड़ता है सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो यस, दिस वाज इट, यही समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा था। एंड कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट एंड ये टाइप ऑफ एनालिसिस एंड ये सेटअप, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा हो तो जरूर से एक थम्स अप दे देना या फिर एक हार्ट दे देना, अच्छा लगेगा मुझे, मैं जरूर से आप लोगों का कमेंट करूंगा। एंड आगे आने वाले समय में मैं और भी कोशिश करूंगा इन डेप्थ चीजें लाने की, एंड जो चीजों से आपको हेल्प हो सकती है वो चीजों को पुटअप करने की और कोशिश करूंगा। तब तक के लिए यस गाइस, जो मैं कहता हूं हमेशा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।